मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे सहयोग का आह्वान किया है। मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल से ही JEES को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि गंदगी ही बीमारी की जननी होती है। स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल से 90% तथा शेष 10% उपचार के माध्यम से इस बीमारी को समाप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति स्वच्छता को अपनाना होगा। वैक्सीन से JEE को रोका जा सकता है, लेकिन AES जल जनित बीमारी है और इसे शुद्ध पेयजल के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है, उन्होंने कहा। फाउंडेशन ने डेटॉल और अन्य मेदांता ग्रुप और IMA के साथ मिलकर के एक विशेष मुहिम इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ प्रारंभ किया है और इस अभियान के क्रम में आज यहाँ पर एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पर मीडिया ग्रुप भी इंसेफ्लाइटिस से चिंतित होकर के कार्य करने का प्रयास कर रहा है और एक अच्छी शुरुआत है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने अप्रैल महीने में एक अभियान का आरंभ किया था और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के उन 38 जनपदों में विशेष वैक्सीनेशन के कार्यक्रम प्रारंभ किए और मुझे बताते हैं समझा कि 34 लाख बच्चों को वैक्सीन इस दौरान लगाया गया। स्वच्छता और पेयजल का विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया। छोटी हमारी सरकार ने गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर विद्यालय में RO प्लांट स्थापित करने के लिए भी एक कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। एक विशेष कार्यक्रम यह है, इसमें इन 38 जनपदों में पीपू की स्थापना हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्थापित करना, यानी पीडियाट्रिक्स का मिनी ICU होता है उसको लगाना, पीडियाट्रिशियन जितने हैं, बाल रोग विशेषज्ञ जितने हैं उनकी विशेष ट्रेनिंग का कार्यक्रम BRD मेडिकल कॉलेज और KGMU में संपन्न हो चुका है। 63,000 से अधिक लोगों को अब तक हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं और इंसेफ्लाइटिस के उपचार की दिशा में भी एक ठोस कार्रवाई हो सके, इस दिशा में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। मुझे लगता है जागरूकता इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बार बार इस बात की अपील करूंगा मीडिया ग्रुप से भी, चाहे वह सोशल मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इन सब से मैं इस बारे में कहूंगा कि आप लोग अनेक कार्यक्रम करते हैं सामाजिक प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, जैसे यहाँ पर आज कार्यक्रम हुआ है, हम लोग गांव-गांव में जाकर के इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं, लोगों को स्वच्छता के बारे में, खुले में शौच न जाएं इसके बारे में विशेष अभियान चलाने और एक मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं। दूसरा, लोगों को शुद्ध पेयजल के बारे में बोल सकते हैं। प्रयास किया गया है कि हर एक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर रह गया है लोग जल उबाल करके पिए। तीसरा, अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी के बाद इस बात का ध्यान रखना कि समय पर उस बच्चे को नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, आप एम्बुलेंस को कॉल करिए, एम्बुलेंस वहां पर ले जाने की व्यवस्था करेगा और एम्बुलेंस वहां तक ले जाएगा। हॉस्पिटल जितना उपचार कर सकता है करे, अगर उसको लगता है कि नहीं इनको आगे हायर सेंटर में ले जाना है, तत्काल BRD मेडिकल कॉलेज में। BRD मेडिकल कॉलेज में भी इस बार हम लोगों ने PICU में भी वेंटिलेटर्स बढ़ाए हैं, बेड्स बढ़ाए हैं और NICU में भी हम लोगों ने बेड भी बढ़ाए हैं, वार्मर भी बढ़ाए हैं और वहाँ पर भी हम लोगों ने अन्य आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं। स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों की भी बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। अगर सभी लोग मिलकर के इंसेफ्लाइटिस के उपचार और उन्मूलन की दिशा में एक सार्थक पहल कर लेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। मैं ITB के इस मुहिम के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अन्य मीडिया ग्रुप भी और सामाजिक स्वयंसेवी संगठन भी इस दिशा में अभियान चला करके स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के प्रति और बीमारी होती तो उसके उपचार के लिए भी आम जन में जागरूकता का विशेष कार्यक्रम चलाएंगे।